please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भारत में किसी भी खेल पर सट्टेबाजी गैरकानूनी है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस क्रिकेट पर सट्टा लगाना नहीं रोक पा रही है। जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो सटोरियों ने चेहरे के साथ साथ तकनीक भी बदल ली। अब दो नए और खास तरह से सॉफ्टवेयर की मदद से भारत में सट्टेबाजी को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि सटोरिये कैसे पुलिस के लिए तकनीक का चक्रव्यूह रचकर अपने काम को अंजाम देने में जुटे हैं। हर पुली हर दांव का कागजों पर लंबा चौड़ा हिसाब, किसी जमाने में क्रिकेट का सट्टा ऐसे लगता होगा, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। कागज पेन की जगह मोबाइल एप्स ले चुके हैं, रेट तय करने के लिए सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। इसका खुलासा हुआ 14 अप्रैल को, जब दिल्ली की शाहदरा में आईपीएल में सट्टा लगाते कुछ सटोरिये पकड़े गए। जब पुलिस ने सट्टा लगाने के तरीके को देखा तो उनके होश उड़ गए। लेजर जो मेंटेन कर रहे थे उसको वो डिजिटलाइज कर दिया इन्होंने। एक बेटिंग असिस्टेंट सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू वो सारा का सारा लेजर 84-85 एंट्रीज है उसमें, वो डिजिटलाइज हो गया था। सट्टेबाजी को रोकने के लिए अभी तक पुलिस सट्टेबाजों को पकड़ती थी, फोन जब्त कर लेती थी। कागजों पर लिखे भाव और ग्राहकों के फोन नंबर सबसे बड़े सबूत होते थे, लेकिन अब सट्टे का गोरख धंधा बदल चुका है, जिसका ना कोई चेहरा है ना कोई नाम। कहानी को बेहद सरल भाषा में आपके सामने रखेंगे, जिसमें हमारी मदद वही आईटी एक्सपर्ट हेमंत शर्मा करेंगे, जिन्होंने पुलिस की भी मदद की थी। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे उच्च तकनीक के दम पर क्रिकेट में सट्टे का गंदा खेल भारत में अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले आप उन दो डिजिटल हथियारों के बारे में जान लीजिए जो इस हाईटेक सट्टेबाजी के लिए सबसे अहम है। पहला नाम है बेटिंग असिस्टेंट आई बुक का। इस एप्लीकेशन की मदद से बुकी सट्टेबाजी का पूरा हिसाब रखता है। इसमें ही बुकी अपने सारे ग्राहकों के फोन नंबर भी सुरक्षित रखता है। सटोरियों में लोकप्रिय ये सॉफ्टवेयर कहां से आया किसी को नहीं पता, बस सोशल मीडिया पर एक फोन नंबर घूमता रहता है, जिसे डायल करने पर सटोरिये बेटिंग असिस्टेंट आई बुक को रिमोट एक्सेस की मदद से दूर बैठे बेहद शातिराना ढंग से डाउनलोड कराते हैं। इस सॉफ्टवेयर की कीमत 8,000 रुपए है, जो पहले हफ्ते में इस्तेमाल के लिए मुफ्त मिलता है। एप्लीकेशन से जुड़ी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए 24/7 कॉल सेंटर भी चलता है। एक बेटिंग असिस्टेंट सॉफ्टवेयर है, उसका काम कुछ नहीं है, वो बस बुकी के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका बही खाता मेंटेन करता है, जिससे वो मल्टीपल क्लाइंट्स को बड़ी आसानी से जो है मेंटेन करता है, उनका रिकॉर्ड रखता है, और मैच ख़त्म होने के 24 घंटे बाद उनका जो भी हिसाब बनता है, लेना है या देना है, वो हिसाब पूरा करता है। दूसरा हथियार एक वेबसाइट है, बेटफेयर, जो दुनिया की सबसे बड़ी बेटिंग एक्सचेंज की साइट है। इस साइट की मदद से बुकी हर मैच से जुड़ा भाव पता करते हैं। साइट में दर्ज भाव के हिसाब से ही सट्टा लगाया जाता है। ब्रिटेन की इस साइट पर कई खेलों पर जुआ लगाने की सुविधा है। ब्रिटेन में सट्टेबाजी वैध है, लेकिन भारत में किसी भी तरह की सट्टेबाजी पूरी तरह से गैर कानूनी है, लिहाजा बेटफेयर से सट्टा लगाना भारत में भी प्रतिबंधित है। एक्चुअल रेट्स जो हैं वो जैसे आपने देखा betfair.com से आते हैं, और ज़्यादातर इंडिया के अंदर बुकी जो हैं 99% रेट्स इसी वेबसाइट से फॉलो करते हैं। सट्टा लगाने के इस हाईटेक खेल की शुरुआत बेटिंग असिस्टेंट आई बुक एप्लीकेशन डाउनलोड करने से होती है, जिसके लिए आईटी एक्सपर्ट हेमंत ने बुकी बनकर कुछ लोगों से फोन पर संपर्क किया। हमने सोशल मीडिया पर पड़ताल करनी शुरू की, कुछ नंबर हमें मिले, उन नंबरों पे बात करने के बाद हमें ये बताया गया कि अगर आपको भी बुकी बनना है तो आपको अपने सिस्टम पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप भी इस सट्टे के बाज़ार के एक बुकी बन जाएंगे, और उसके बाद खुलेआम रैकेट चला सकते हैं, खुलेआम सट्टा लगा सकते हैं। हम उस नंबर पे अब फ़ोन करने जा रहे हैं। हेलो, हाँ भैया, अभी आपसे बात हुई थी ना, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए 7 डेज़ का ट्रायल।
टीम व्यूअर मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो क्या मैं आपको अपना आईडी और पासवर्ड बताऊं? आईडी है 960 245 960, सर पासवर्ड है आपका 8403। हाँ जी, एक्सेस आपको मिल गया होगा। अभी हम जवाब का इंतजार कर ही रहे थे कि अचानक हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने आप हलचल होने लगी। आईटी एक्सपर्ट हेमंत ने बताया कि सटूरिया रिमोट एक्सेस की मदद से भारत के किसी कोने में बैठकर इस लैपटॉप को ऑपरेट कर रहा है, यानी बेटिंग असिस्टेंट आई बुक डाउनलोड करने के काम को हमसे सैकड़ों मील दूर से अंजाम दिया जा रहा था। डाउनलोड होने के बाद हमने फिर से उसी नंबर पर फोन किया। हाँ जी भैया, ये इंस्टॉल हो गया है ना? ठीक है, तो ये सेवन डेज में मैं इसे देख सकता हूँ, और सब कुछ अगर सही है तो फिर ठीक है। और अगर ये इनकेस कभी क्रैश करे, कुछ करे, तो मैं आपको 24/7 कॉल कर सकता हूँ। ठीक है। बेटिंग असिस्टेंट आई बुक एप्लीकेशन पूरी तरह गैर कानूनी है, अब वो हमारी आंखों के सामने था। पहले जो लेखा जोखा कागजों पर किया जाता था, अब इस सॉफ्टवेयर पर किया जाता है। ये बुकी के काम को आसान करने के साथ उसे एक बहुत बड़े खतरे से भी बचाती है। जब भी पुलिस रेड करती है, वो रेड किसी कंप्लेन या किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करती है। ये जो बुकीज हैं, ये इतने स्मार्ट होते हैं कि अपने एक्चुअल लैपटॉप्स जिन पे ये सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, ये रखते हैं किसी और लोकेशन पे, और टीम व्यूअर नाम के एक सॉफ्टवेयर से, जो रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, उससे ये अपने ऑफिस में ऑपरेट करते हैं। जैसे ही कोई सस्पिशियस पर्सन, कोई अथॉरिटी या पुलिस एंटर करती है या उनको कोई शक होता है, उनको सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को बंद करना है, टीम व्यूअर को, और उस लैपटॉप पे कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, बिना एविडेंस के पुलिस भी जो है ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं ले सकती। बेटिंग असिस्टेंट आई बुक में बुकी कस्टमर का पूरा लेखा जोखा रखता है, लेकिन बुकी को सट्टे के भाव कहां से पता चलता है? किसी टीम या मैच का क्या रेट चल रहा है, ये कैसे पता चलता है? हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये रेट कहां से निकलते हैं। एक वेबसाइट है बेटफेयर, इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इस वक्त हर एक बारीक से बारीक जानकारी। अगर आप देखें तो आज मैच है, रात में 8 बजे मैच शुरू होगा, और इस वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है। कॉलम यहाँ पे क्रिकेट का है। क्रिकेट के कॉलम में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आईपीएल, ये आईपीएल है, यानी जो मैच आज चल रहा है, आज होने वाला है। आज मैच है चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान, इनके बीच का आज मैच है, और मैच में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स समझना थोड़ा सा मुश्किल है, हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहली चीज़ ब्रिजेश जी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैच में ये टोटल $9,40,000 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैच शुरू होने से पहले अभी तक ऑफिशियली इस साइट के ऊपर लोग इतना पैसा ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। 20 अप्रैल के दिन आईपीएल मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय सट्टा बाजार में करोड़ों रुपए दांव पर लग चुके थे। बेटफेयर वेबसाइट पर सब कुछ साफ नजर आ रहा था। बुकी यहां से भाव देखते हैं और यही रेट बाजार में फैलाते हैं, जबकि बेटफेयर वेबसाइट भारत में प्रतिबंधित है, फिर भी ये आराम से खुल जाती है। 8 बजे स्टेडियम में मैच शुरू होते ही वेबसाइट पर सट्टा लगाने का खेल शुरू हो गया। हर बॉल के साथ सट्टे का आंकड़ा बढ़ने लगा, जो साइट पर साफ नजर आ रहा था। इससे पहले जब
देखा था कि आखिरकार इस मैच पर कितनी कीमत लगाई गई थी, तो उस वक्त तकरीबन इंडियन करेंसी के हिसाब से 6.5 करोड़ रुपये कीमत थी इस मैच के ऊपर। अब 2 घंटे पहले की का ये डाटा था, इस वक्त ये डाटा पहुंच चुका है 31 करोड़ रुपए, यानी महज 2 घंटे में 6 करोड़ से 31 करोड़ का जो ग्राफ है वो आगे बढ़ा है। थोड़ी ही देर में बॉलर रन के हिसाब से भाव दिखने शुरू हो गए। तस्वीर साफ है। बुकी ब्रिटेन की एक वेबसाइट जो भारत में बैन है उससे भाव पता करते हैं, फिर बेटिंग असिस्टेंट आई बुक एप्लीकेशन की मदद से सट्टा खेलते हैं जिसमें सारा ब्यौरा डिजिटलाइज रहता है। सट्टे से जुड़ी हर बात, हर आंकड़ा, हर चीज इन्हीं दोनों चीजों में कैद रहती है। इतना ही नहीं, बेटिंग असिस्टेंट आई बुक एप्लीकेशन बुकी को पुलिस से बचाता भी है। इसका कारण ये है कि बुकी के लैपटॉप पर बेटिंग असिस्टेंट आई बुक को सटूरिया रिमोट एक्सेस की मदद से कहीं दूर बैठे ऑपरेट करता है। बेटिंग असिस्टेंट आई बुक का मेन सर्वर सटोरिया के लैपटॉप में भी नहीं होता, इंटरनेट की मदद से उसे कहीं दूर से ऑपरेट किया जाता है। यानी बुकी, सटोरिया और सर्वर एक दूसरे से काफी दूर होते हैं और कोई एक दूसरे को नहीं जानता। जब पुलिस छापा मारती है तो बुकी को केवल अपना बेटिंग असिस्टेंट आई बुक बंद करना होता है। उसके बंद करते ही बुकी के लैपटॉप में दर्ज सट्टे से जुड़ा सारा ब्यौरा खत्म हो जाता है। फिर पुलिस को बुकी के लैपटॉप के ब्राउजर या डेटा से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बुकी के लैपटॉप में डाउनलोड बेटिंग असिस्टेंट आई बुक एप्लीकेशन तो कहीं और से ऑपरेट किया जा रहा होता है, लिहाजा पुलिस को बुकी से कोई ठोस सबूत नहीं मिलते। ये लोग बहुत सारे जो एप्स और इस तरह से ऑनलाइन चीज़ों को करके ये क्राइम कर रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ये कितना भी प्रयास कर लें हम उसको क्रैक करने की हमारे पास पोटेंशियल है। सट्टेबाजी के लिए सटोरियों ने तकनीक का गहरा जाल बुन रखा है जो पुलिस के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं, लेकिन वक्त के साथ पुलिस भी अपडेट होती जा रही है और एक के बाद एक सट्टे के इस चक्रव्यूह के सारे द्वार खुलते जा रहे हैं।